एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग, होप सब कि आप ठीक अच्छे होंगे। तो फिर से अगेन मैंने नेल एक्सटेंशंस कराया है बिकॉज मेरे नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं छोटे नेल्स में, क्योंकि मेरे नेल्स की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, तो मुझे ये करा के ही रखना पड़ता है। बिना इनके मेरे नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ ब्रूड खुशी के देवर के साथ खेल रहा था और देखो मेरे नेल्स कितने अच्छे लगने लगे हैं। तो मुझे खुशी का काम पर्सनली सच में बहुत पसंद है और मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं करती किसी और के साथ, मुझे खुशी के साथ ही नेल्स कराना। और हम फ्रेंक भी हो चुके हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी, एक दो साल से मैं खुशी से ही नेल्स वगैरह करा रही हूँ। इनका काम सच में बहुत अच्छा है और कैसे भी लगा लो ये बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है मेरी, या कुछ भी है, तो हम बातें भी बहुत करते हैं, काम भी करते हैं, इसलिए आराम आराम से हमारा काम होता रहता है। तो मैं भी आपको अपने नेल्स होने के बाद दिखाऊंगी। मैंने बिल्कुल न्यूट सा कलर चूज़ किया है इस बार अपने नेल्स का, और मेरे फेस पे हल्की सी स्वेलिंग आ रही थी क्योंकि मेरे बीच बीच में ना आ जाती तो है। गाइस मेरे हो चुके हैं, बोलो, नेल एक्सटेंशन हो चुके हैं, अब आप कमेंट्स में बताना कि मैम के नेल्स कैसे लग रहे हैं। हाँ, इस बार मैंने नॉर्मल से कराया है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हमने फ्रेंच लिया है व्हाइट कलर का और ये सामने से बहुत प्रिटी लग रहा है। अभी पता नहीं कि आपको कैमरे में कैसा दिख रहा होगा लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर। और मेरे हाथ का टैटू टैटू है ही सुंदर। हाँ, और आपको ये भी पता है कि खुशी से कराते कराते मुझे 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट ब्लॉग में खुशी रहती है, बाकी मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करती हूँ। तो अगर आपको भी खुशी पर ट्रस्ट हो तो आप भी जरूर इन्हें बुलाए और कराए, ठीक है। जी की आइडिया मैं तो भूल जाता हूँ, फैशन अंडरस्कोप स्टोरीज 0890। हाँ, तो फॉलो कर लें और वो इनसे बात करें। प्राइस भी इनके बिल्कुल जेन्युइन है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इनका, ठीक है गाइस। तो मैं नीचे आईडी मेंशन गाइस का नया तेरे भैया पहला होगा है कबूतर भैया, भैया का बहुत शौक है, करवा लेते रिश्ता, करवा दूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग, होप सो कि सब अच्छे होंगे। तो देखो मैंने नेल एक्सटेंशन कराया है जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तो बहुत ही सुंदर हुए हैं, बिल्कुल न्यूट सा कलर है और मुझे बहुत पसंद भी आए। तो हम बना रहे हैं आलू गोभी और मटर की सब्जी, तो मैंने यहाँ पे मटर काट दिए हैं। और गाइस मेरा वेट बढ़ता जा रहा है ना, तो मेरी देखो फिंगर में उंगली में वो भी नहीं आ रही है, क्या बोले मेरी रिंग वगैरह सारी कोई भी नहीं आ रही है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिना रिंग के अजीब लगता है। और मेरा टैटू तो एवर ग्रीन है ही, बच्चों के बैग रखे हुए हैं, उन्हें कोई और जगह मिलती नहीं है, यहीं पे लाके फेंक देते हैं। और घर में भी कुछ भी काम नहीं हुआ, जैसे कि छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की तो सो के ही लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठी थी। तो अभी हम सब्जी बनाएंगे, काट दी है सब्जी ऑलमोस्ट, और अब क्या कहते हैं खतीजा मेरी हेल्प करा रही है, वो हमेशा ही मेरी हेल्प कराती हैं। हाँ, किचन में लगी पड़ी है लड़की। हाँ, जब तो मेरे लौंडा की कमीज पहन ली। अरे हम दौड़े ज्यादा ठीक है, तो हाँ बड़े चलाक हो गाइस, इन्होंने मेरे लौंडा की कमीज अगेन पहन ली है, इनका कपड़े नहीं है, गरीब भाई है ना। नहीं, उन्हें तो कोई और दुआ कला दे लौंडा लगता। फ्रीज में क्यों और क्या है, तो दिला का नाम ही रह रहा है उनका दिलाने का, पहनो तो आप ही हो ना, सही कह रही हूँ गलत? आपके हुक्के की चिलम कहाँ पे गई, हुक्के की चिलम मरने गई हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 3 बार बोलने की बात, गुड नाइट निकले, गुड मॉर्निंग निकले इसके, यहाँ पे भी तो इसकी आधी अधूरी नींद है मैम साहब की। गुड मॉर्निंग मायरा, गुड मॉर्निंग मायरा, अभी तो इनकी गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई। तो बच्चे अभी सो के उठे हैं और हमारा खाना वगैरह अभी बन ही रहा है, मैं यहाँ पे आके बैठ गई क्योंकि तेल गर्म हो रहा है, मैंने आपको दिखाया था अभी। तो गाइस मैं मिलने जा रही हूँ अपनी एक दोस्त से जो बहुत ही कम टाइम में बनी है और बहुत अच्छी बनी है, तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ वर्ल्ड स्ट्रीट फिर से। तो क्या कहते हैं, मैं आपको उनसे नाम नहीं बताऊंगी, तो वहाँ पे ही मिलवाऊंगी आपसे। तो बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ ही टाइम में बनी हुई दोस्त है वो, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसे और क्या कहते हैं मिलवाती हूँ उनसे आज शाम को 5 बजे वर्ल्ड स्ट्रीट पे।
तो उनका फ़ोन आया था अभी, तो पूछ रही थी दीदी आप कब तक आओगे, तो मैंने बोला गर्मी हो रही है, तो उन्होंने भी बोला मैंने भी बोला कि 4-5 बजे ही मिलते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में तो बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, पूरा खुला हुआ है, तो इसलिए हम शाम को ही जाएंगे 4-5 बजे उनसे मिलने के लिए, तो मिलवाते हैं आपको। हाँ नाइट ड्रेस लाना अपने बाबू के लिए, मैं तो सोच रही थी तुझे लेके जाऊँ, चलेगी तुम्हें साथ, चल लियो यार, चलियो बाबू, चलना पड़ेगा तुझे मेरे साथ, चलियो चलियो, चलेगा तू, तू तो पहले मना किया, अगर मैंने तू चलियो चलेंगे। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, सब्जी वगैरह बना लेते हैं, नहा लेते हैं क्योंकि पूजा भी करनी है अभी। और गाइस तो मैं नहा चुकी हूँ, मैं अभी जस्ट नहा के निकली हुई, काम आज भी फिर से लेट हो गए, आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो लेट तो होते ही है, और इसके लिए मैं भी रोटी बना के लाई हूँ, और इतना खिलसरिया खाना खाने में देखो कैसे पड़ी है, देख सकते हो आप, ऐसे क्यों कर रही है मायरा तू, इसे रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे दूध भी अब पिया है, और 3 बजने वाले हैं, अब मैं नहाई हूँ, मैं नहा के अब तैयार होके मुझे निकलना भी है वहाँ के लिए, मैं लेट हो रही हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे बाल होने वाले हैं, तो मुझे जल्दी निकलना है क्योंकि 4:30 हो चुके हैं, और हमें 4 बजे वहाँ घर से निकलना था, और 5 बजे तक वहाँ पहुँचना था, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो आपको दिखाती हूँ, 4:14 हो गए हैं, तो जल्दी फटाफट से मैं निकलती हूँ मेकअप करके, अपना मेकअप तो हो चुका है, बस बाल रह रहे हैं, बाल भी मैं सिंपल ही करा रही हूँ, इसलिए अब जल्दी जल्दी में मुझे क्या पता उसको वहाँ पे देख ले। तो निकल गए गाइस हम घर से, अब बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं हम घर से निकलने में, और अब क्या कहते प्लान तो था कि मैं और मायरा जाएंगे, बट अभी सभी आ गए हैं, नवे मायरा खतिया तो आती ही, खैर वो रील्स वगैरह बनाती है मेरी, और अब हम जा रहे हैं और मिलाते हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको, अभी मेरा हेयर स्टाइल तो हमेशा से अच्छा लगता है। जस्ट अभी हम निकले हैं घर से, आली गांव में ही है ये रहा हमारा आली गांव, और पहुंच के मिलवाते हैं आपको। कितने हो रहे दाने, देरी दाने हो गए, बंद करते दाना धोएंगे इनके, क्रीम लगाएगा, प्रोडक्ट लगाएगा। तो पहुंच गए हैं हम वर्ल्ड स्ट्रीट, पागलपंती करती है, तो सब पहुंच गए हैं, जस्ट अभी कुछ लेने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ये भी आना जरूरी थे, बिकॉज घर पे कोई नहीं था इन्हें देखने के लिए, और मैं मोटी होती जा रही हूँ दिन ब दिन, मुझे आज तो बहुत ही ज्यादा फील हो रहा है, मैं भी देखूंगी तुम मोटी होगी, तू तो कहीं नहीं हुई, बोलियो फटाफट से कुछ। हेलो गाइस, आपको एक बात बताऊं, हम आगे वर्षीत में हम नाचेंगे, ये नाचेंगे, फोन में लगा हुआ है, तो गाइस मिलवाते हैं आपको उनसे जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं, जस्ट 5 मिनट्स में ये आ गए, तो गाइस आवाज दे, हाय गाइस, तो देखो इसने पहले शूट किया, मुझे पता नहीं था, मैं मिलवा के इंट्रोडक्शन कराती, लगा ये यार नया मिलवान जिसके मैंने बारे में बताया था कि मैं मिलूंगी, मैंने घर पे सस्पेंस नहीं खोला था, तो यही है वो नया नेहा पिलवान 80 से मेरा इंस्टा पे पेज है, और नेहा कलेक्शन मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ट्रस्टेड पेज है, और वो ये खुद ही आज मैंने मिलवा दिया, मैंने मिलवा दिया, मैंने नाम खुद रिवील कर दिया है, लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता थी कि नेहा पिलवान है कौन, तो मैंने अपने आपको रिवील कर दिया कि नेहा, आज मेरे रील में भी दिखेगी नेहा, फर्स्ट टाइम पेज ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड का पेज है, जनरली पेज है, कोई वो नहीं है इशू, एक दिन यशी भी दिखेगी मेरे व्लॉग में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं मिलने जुलने में, ये वर्ल्ड स्ट्रीट में आए हैं गाइस हम नेहा के साथ मिलने का, हमने मीटिंग फिक्स की थी 2-3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे, आज फाइनली आ गए हैं। हेलो बच्चों, हाय, हेलो करोगे यूट्यूब पे बोल दो कुछ, हेलो गाइस गाइस, हेलो गाइस, इन्हें ये तो बना सकते हैं बच्चे, तो यही है बस, अगर अभी वहाँ पे ध्यान चला गया ना, फिर सही। हाँ
तो मैं आपको बता दूं कि नेहा से मिले हुए मुझे 5-6 महीने हुए थे। 5-6 महीने में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और बिल्कुल भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मुझे तो बिल्कुल ऐसे फील नहीं आया। तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, भैया भी बहुत अच्छे थे, वो नेहा से भी ज़्यादा बातें करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है वो। और उन्होंने मेरे मायके वाले के सबके बारे में वो जानते थे तो सबके बारे में मुझे बताया, और जो भी हमारे आली से भी उनका कनेक्शन था तो उन्होंने उनके बारे में भी बताया। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब के रिश्ते बनाएं, हमें किसी चीज़ की नीड हो किसी से तो ये रिश्ते बनाएं। दोस्ती का और दिल का रिश्ता अपने आप बन जाता है जहाँ भी है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम 5-6 महीने के मिले हुए हैं, मतलब दोस्त। फ़ोन और इंस्टा ने हमें बहुत, ये सोशल मीडिया भी बहुत अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू हम मिल गए, वरना अगर फ़ोन और इंस्टाग्राम और फ़ोन ना हो तो एक दूसरे से मिले भी ना। तो हम यहाँ पे रुके थे कुछ खाने के लिए, बट खाने का किसी का भी कुछ भी मन नहीं था क्योंकि 5-6 बजे किसी ये खाने का टाइम नहीं होता, तो हमारा मन नहीं था। बट फिर भी भैया ने और इन्होंने ज़िद की तो हमने कोल्ड कॉफ़ी और चिल्ली पटेटो ले लिए थे। तो हमने हल्का मुल्का ही मतलब थोड़े थोड़े ही खाए थे क्योंकि किसी का भी मन नहीं था इन चीज़ों का खाने का, तो कोल्ड कॉफ़ी तो हमने पी ली थी। फिर हम वहाँ पे हमने थोड़ी देर बातें बातें की थी, फिर हम निकल गए थे बाहर की तरफ। चलो शॉपिंग करेंगे। नहीं, शॉपिंग के लिए हमारे पास मुझे नाइट टैग दिलवा दो। हाँ। आप भी करो। फेक तो हो ही नहीं, हमारा कलेक्शन भी फेक नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है, कुछ लोग देखो खुद की क्वालिटी पहन रखी है ना। ये भी मेरा ही कलेक्शन है। हाँ, और कितना सुंदर सूट है, सूट से लेके पर्स तक सब कुछ मेरा खुद का खुद का है इनका। पेज भी बहुत कुछ आगे बोलते हैं उसमें, कमेंट करते हैं कि नेहा कलेक्शन का जो फ्रॉड है ये, तो वो हमें ख्याल से दो तीन ही जेन्युइन पेज है इंस्टा पे। हम फ्रॉड नहीं है, लोगों को या तो गलतफहमी है या लोगों की जलन है, वो सिर्फ लोग जानते हैं। फेक आईडी बना बना के आते कुछ लोग, तो आगे लोग बोलते हैं कि फ्रॉड नहीं है। ले लिया आइसक्रीम बच्चों ने भी। मां पीड़ा 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 मैं पैकिंग कर देती हूं। गाइस ब्लॉगिंग लोग बाद में बताऊंगे, ब्लॉग से हटा के जब बताऊंगी आपको क्या बात थी। बात तो मुझे पता है पर आपको पता हमारे तो अली गाँव में स्ट्रीट है, ये तो बड़े अली गाँव तो पुराना फेमस है। हम आली रेड लाइट पे हैं। सच में कर दिया करो फोन।
खड़ी सबसे बड़ी बात हो ये क्या ये हमारा रहना देना है तो घंटे दो घंटे चार घंटे जो अपना घर परिवार है उससे बड़ी बात कुछ जरूर आएंगे पक्का। बाय बेटा हम निकल गए हैं यहाँ से, हालत खराब हो गई खड़े रह रहे के। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि रात हो गई बहुत ज्यादा और इतना कुछ खाने पीने का मन नहीं था तो हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं तो डाइट पे हूँ। अब यही पता नहीं अपने चाप वगैरह ही खाएंगे जो भी खाएंगे क्योंकि घर जाने में लेट हो जाएंगे तो खाना वाना बनाना बस की नहीं है। तो गाइस मिलते हैं आपसे घर वहाँ पे 15 सेक्टर है ना जहाँ चाप वाले 16 सेक्टर में नेल्स खाने की आदत नहीं छुटेगी गाइस नेल्स खा रहे हैं दिखाई करूंगी लूंगी मैंने गाइस इनमें तमीज नहीं है बात करने की कैसे कैसे बात करते हैं। मैंने मेकअप गलत किया मैं सिंपल ही ज्यादा ठीक थी हाँ मायरा। तो गाइस मिलते हैं आपसे 15 सेक्टर में चाप वाले के वहाँ पे क्या कह रहे थे ज्यादा सपोर्ट में मत आ पापा की समझ में आई हम बोला कर बोलने गई खाती है इसने माया खाती जाना मेरे फोन की पूरी बैटरी डाउन कर दी क्योंकि इसने छोड़ा ही नहीं 1 सेकंड के लिए भी फोन आज से इसके हाथ में फोन नहीं दिया जाएगा कैंसिल है और मिलते हैं बेस्ती मारे करूंगी आपकी जगह छोड़ोगे आप तू पहन का ही सूट है किसका है मॉम के लाइफ किस पर कोई यकीन मान ले इस बात पे गाइस आप बता रहे हो मांगे कपड़े पहनती हो नहीं मैं खुद ही क्वेश्चन करा खुद ही आंसर दे दियो नहीं पब्लिक के दिन दियो नहीं बता देना आप कि मैं मांगती हूँ मैं नू बहन आज किसी से मिलने जाना बहन दे दे तू तो बोल दे अच्छा तभी मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करती गाइस मैं मांग मांग के कपड़े पहनती हूँ सही कह रहे हो ना बिल्कुल नहीं गाइस और आज का सूट कराया था किसी से हां सही है जतर बाप बेटा सही चाल में चल रहे हैं सपोर्ट कर रहे हट जा हट ही ना करे एक दूसरे के हमारा हट कर रहे हैं या हम पागल बैठे हैं गाइस व्यू बहुत कम कर दिए आप लोगों ने आई नो मैं नोटिस कर रही हूँ तो लाइक कमेंट कर तो गाइस व्यू बढ़ाओ नहीं तो देख लेंगे हम तुम्हें प्यार तो है प्यार तो है भाई ना प्यार तो है कैसी गलत बात है वैसे आपको करना चाहिए देखो मेरे ब्लॉग में ठीक ठाक रहते हैं इतने बुरे नहीं रहते हैं आप फिर भी मेरे ब्लॉग को नहीं देखते हो तो ये आपकी गलत बात है आप ज्यादा बोरिंग ब्लॉग बनाए तो आपका कहीं के बाद देखते बहुत अच्छे ब्लॉग आएगा तो बोरिंग ब्लॉग तो बनता ही नहीं है हमारा कौन सी गाड़ी है ये आपको लगी तो ठीक है कल के बाद परसों देखना कैसा ब्लॉग बनाएगा हमारा बता दे हम जा रहे हैं कसौल बोल पहले सब्सक्राइब हम जा रहे हैं कसौल नहीं बताइए पब्लिक कौन जा रहे हैं मायरा बता रही है हम जा रहे कसौल क्या पापा मायरा हम कसौल पता क्यों जा रहे हैं है ते मम्मी ब्याह दूसरा चलेगी ना यार ये दुर्गा की आ रहा इतना अब वो साफ तो है मम्मी का ब्याह पापा का नहीं है मम्मी का ये सब कुछ मेरे पापा करवा दे दूसरी शादी लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहाँ पे है ना कहाँ पे जब मैं इंटर लेगा ना भी अगले महीने जब देखियो हम भी हवाई दे देंगे ये खराब नहीं अगले महीने लेजेंडर लाएंगे बेटा फॉर्च्यूनर इसे भी चलाएंगे उसे भी चलाएंगे हम मम्मी यू कह रही मेरे लिए सिलेरियो ले लो CNG वाली हम दुआ देंगे CNG वाले अरे वहाँ ठोक पीट लीजिए कहीं भी आप चलाओगी ना उसे तो राजन कब उड़ा दियो को उड़ा दी सब उल्टा साले फुटपाथ में बढ़ा दिए दिक्कत ही कैसी भी और रजनीकांत आई कांट बिलीव दिस है ना ऑटो ऑटो मैं चलाऊंगी वैसे गाड़ी बहुत जल्दी गई आपके सामने गाड़ी चलाना सीख पाऊंगी हाँ तो गाइस बहुत जल्दी एक आध मारेगी 300 कुछ लेके बैठे 307 ठीक है गाइस जब मतलब पहले ही सोच लेगी मैं मारूंगी किसी अभी तो लाइसेंस भी नहीं है इसके पास मारेगी तो बंद तो होगी लाइसेंस तो जब बंद तो गाइस सारे कर रहे पर चलाना नहीं ना बेटा तो गाइस गाड़ी है ना
इंतजार रहना, ब्लॉग अगर नहीं आएंगे ब्लॉग मैं आपको दूंगा, ये कहीं भी चले जाएंगे और मैं भी दूंगा, मैं बताऊंगा आपको ये कहाँ लाइसेंस तब बनते बेटा, बेटा जब जब मिलाई पे जाए करूंगा तो मैं जरूर मिलवाएगा वो देखो एक सवाल पे 5-0 डाल देगा। अभी इंस्टा पे फॉलो कर ले और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत 1,00,000 फॉलो करवा दो यार, सब्सक्राइबर 1,00,000 करवा दो, 20,000 तो हुए ना। अरे सर वहाँ पे यूट्यूब पे 1,00,000 सब्सक्राइबर गाइस सबके लिए दावत है मेरे तब तक। आपने 100K के 10K का तो केक कटवाया ना, मैंने कई मुंह तो कटवाना केक, कहीं तो ना, मैं कहूँगा सोशल मीडिया चलाओ ठीक है कटवा देना, तो था नहीं कटवाया जेआईपी के सामने, वो तो इंस्टा का था ना, इसके बाद चलते यूट्यूब, ये तो हर चीज में बेफालतू भी कुछ अरे तू शांत बैठ। तो आ गए गाइस घर पे और थक गए बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत टाइम लगा के आए हैं वहाँ पे खड़े 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 पैर हाथों में दर्द हो गया आके लेटे, और रास्ते में आधे रास्ते से मेरा व्लॉग शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे फोन की हो गई थी बैटरी डाउन, तो स्विच ऑफ हो गया था, घर आके ऑन किया है अपना फोन, तो अब लेटे हैं थोड़ी देर रेस्ट किया है, बच्चे बच्चे वहाँ से खाना पीना खा के आए थे, इसके अलावा चाप और वो लग आए थे रुमाली रोटी 15 सेक्टर की जाके फेमस है, तो हमने वो ही खाई है सबने। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।